उदाहरण सात, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, तब हम ये कह सकते हैं कि OM जो है ON से बराबर है। इसे समीकरण एक देते हैं नाम। इसमें हमने प्रमेय प्रयोग किया है कि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है। क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, तब हम लिख सकते हैं कि OM बराबर ON, इसे हमने समीकरण एक नाम दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि MN जो है रेखाखंड, जो MN की जो लंबाई है OM धन ON है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं MN बराबर, क्योंकि दोनों का मान एक ही है, OM और ON बराबर है, और ये समीकरण हमारा एक है, तो हम OM के स्थान पे OM लिखेंगे और ON के स्थान पे भी हम OM लिखेंगे। ये हमने एक से प्राप्त किया है कि ON OM के बराबर है। MN की जो लंबाई है वो 24 है। प्रश्न में दिया गया है कि जो दो जीवाएं हैं उनके बीच की दूरी जो है वो 24 सेंटीमीटर, तो MN जो है वो दो जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर बराबर OM, और OM को जोड़ेंगे तो दो गुना OM मिलेगा हमें, ये हमारा O है, OM दो गुना OM, या OM का मान जो हो जाएगा वो 24 बटा दो, दो का पक्षांतर होगा तो 24 बटा दो, तो OM का मान 12 सेंटीमीटर हमने प्राप्त किया। अब OA जो है हमारा जो कि वृत्त की त्रिज्या है, और उसका मान, वृत्त की त्रिज्या का मान जो दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो OA बराबर हमने 20 सेंटीमीटर लिया। अब हम त्रिभुज OAM में, त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो OA जो है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर OM का वर्ग लंब का वर्ग धन AM जो है हमारा आधार का वर्ग है। तो हमने यहाँ पे त्रिभुज OAM में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया है, जहाँ पे OM हमारा कर्ण है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कहीं हम OM के वर्ग को पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा AM का वर्ग बराबर OA का वर्ग ऋण OM का वर्ग। यहाँ पे हमने OM के वर्ग का पक्षांतर किया है। अब हमें ज्ञात है कि OA का मान जो है 20 सेंटीमीटर है, तो 20 का वर्ग हो गया, और OM हमने ज्ञात किया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग। अब 20 का जो वर्ग है 20 गुणित 20, जिसका मान 400 हो जाता है, और 12 का वर्ग जो है 12 गुणित 12 144 होता है, और जब हम 400 में से 144 को घटाएंगे तो हमें 256 प्राप्त होता है। अब कहीं AM का वर्ग का मान 256 है, तो AM का मान जो होगा वो वर्गमूल 256 होगा, और वर्गमूल 256 का जो मान होता है वह 16 होता है, क्योंकि 16 गुणित 16 256 होता है। तो हमने ये प्राप्त किया, ये हमने ज्ञात किया कि AM का मान 16 सेंटीमीटर है। अतः जीवा की लंबाई
जीवा की जो लंबाई है, यहाँ पे जीवा की लंबाई जो है वो ए बी है हमारी, जीवा की लंबाई ए बी बराबर हमारा है 2 × AM होगा। ए बी जो हमारा जीवा है उसकी लंबाई जो है 2 × AB है, तो 2 × AB बराबर 2 × AM है, और यहाँ 2 और AM का मान हमारे पास 16 सेंटीमीटर हमने ज्ञात किया है ऊपर में, और 2 को 16 से जब हम गुणा करेंगे तो 16 × 32 सेंटीमीटर हमने जीवा की लंबाई ज्ञात की। तो इस तरह से हमने ज्ञात किया कि जीवा की जो लंबाई ए बी है वह 32 सेंटीमीटर है, या इस उदाहरण का हल होगा।